हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग मौन, तो नहीं है गुड इवनिंग यार कैसे हो आप सभी लोग <coughs> मेरा नाम है राठी और आप सभी मेरे साथ यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल फॉर द कमेंट बॉक्स आप ही का है आप लोग बता सकते हैं मुझे कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी से एक बार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग

क्लास टक हो रही है अभी सही है मेरे हिसाब से नाउ एवरीथिंग इज फाइन अभी तो सही है ना अभी आई थिंक ठीक है यार ठीक है वो कभी कभी हो जाता है यार टेक्निकल चीजें हैं इंटरनेट है सब सॉफ्टवेयर ही हैं कभी कभी हो जाता है ठीक है ना नाउ एवरीथिंग इज फाइन अभी सब सही है सो so, <coughs> आज सुबह में क्लास नहीं हो पाई थी हमारी सो वी आर टेकिंग दिस क्लास नॉट एट पी एम हम बट इसको पी एम पे इस क्लास को कर रहे हैं है ना और आप लोगों को बता देता हूँ मैं दोस्तों अपनी जो सारी क्लासेस हैं यू पी एस के लिए वो सारी क्लास अब कहाँ पर हो रही हैं वो सारी क्लासेस हम इस चैनल पे कर रहे हैं यू पी है ना तो बाकी बाद में क्लासेस को हम अपलोड कर देंगे उन चैनल्स पर भी बट लाइव क्लास जितनी भी होगी वो इसी पे होगी फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन है ना ताकि कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा मैनेज कर सके तो इसलिए सत्ताईस फरवरी दो आज की डेट है जिसका आज मैं करंट अफेयर बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या बताया इस चैनल को हमने रीब्रांड किया एज ए यूपीएससी 101 और मेरी सभी लाइव क्लासेस के लिए आप यूपीएससी 101 पे ही आ सकते हैं बाकी ज्योग्राफी 101 चैनल और करंट अफेयर का काम यार बिल्कुल बंद हो गया है एनसीईआरटी पे काम चलता रहेगा बट इस इसपे लाइव क्लास हम नहीं करेंगे इसमें हम क्लास को बाद में अपलोड कर देंगे ताकि जिस बच्चे को एक साथ चाहिए चीजें उसको एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी चलिए दोस्तों अनएकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे साथ क्विज कर सकते हो मेरे साथ स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स भी आप कर सकते हो दोस्तों और इन सब के लिए आपको कोड यूज करना है क्या सुमित सुमिट सुमित सुमिटेन मेरा कोड है इस कोड को आप यूज करोगे यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड द शॉर्ट गाइडेंस बाई मी आपको खुद मैं गाइड करूंगा थ्रू आउट द प्रोसेस देखो आज पहला जो न्यूज है हमारे पास पहला जो मुद्दा है ये पांडिचेरी जो पांडिचेरी के अंदर हाल ही में हुआ है ये उससे संबंधित प्रॉब्लम है दोस्तों बार बार जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का वो हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है पौंडीचेरी में हाल ही के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ से फिर कुछ सामने बातें आई हैं ये बातें आती रहती है कभी पाण्डिचेरी में कभी मध्य प्रदेश के अंदर में कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में कभी उत्तराखंड के अंदर में ये प्रॉब्लम ऐसे चलती रहती है समय समय पर आपको आता रहेगा ये बात न्यूज आती रहेगी बट आपको न्यूज पे ध्यान नहीं देना आपको इशू पे ध्यान देना है पाण्डिचेरी के अंदर हाल ही में राष्ट्रपति शासन लग गया है ठीक है प्रेसिडेंट रूल लग गए तो मैंने आपको वहां पे बताया प्रेजिडेंट रूल के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो चीज आपको समझनी है ध्यान देनी है उस पर चल रही ना क्लास यार स्टक तो नहीं हो रही यूपीएससी सीएससी आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एट सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मेरी मेल आई डी है आप उसके ऊपर जो है आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अच्छा देखो समझो मेरी बात को आज एक न्यूज आई थी और न्यूज क्या है देखो हाल ही के अंदर में के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ठीक है अब पहले तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया वो बात समझनी पड़ेगी उसके बाद में उसी से एसोसिएटेड एक बात आई है जिसका नाम क्या है जिसका नाम आपका है आर्टिकल आपका टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ दोनों बहुत जरूरी मुद्दे हैं आज पौंडीचेरी में लगा है कल उत्तर प्रदेश में हो सकता है परसों हिमाचल प्रदेश में हो सकता है उत्तराखंड में हो सकता है न्यूज़पेपर से ये सारी बातें पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर में ना बार बार डेली बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है है ना देखो न्यूज आप पूरा मैच देखो बैठ के या मैच के बाद का हाल सुन लो मैं आपको बोल दू मैच के बाद का हाल बता दे इंडिया जीत गया पाकिस्तान हार गया बात लगभग बराबर है लेकिन जो ज़्यादा थ्रिल्ड रहता है जिनको भाई मैच पूरा देखना है वो कमेंट्री सुनते हैं या पूरे 12 घंटे 15 घंटे पूरे मैच को देखते हैं तो ऐसे आप समय वेस्ट भी कर सकते हो और आप मेरे साथ रह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी पढ़ सकते हो अब ये पौंडिचेरी में हुआ है ठीक है कल को ये किसी और राज्य में होगा तो ये सब चलता रहता है ठीक है तो समझिए पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पाण्डिचेरी में भी हुआ क्या है तो पौंडिचेरी के अंदर हाल ही के अंदर आपका दोस्तों क्या लगा है प्रेसिडेंट रूल प्रेजेंट रूल को हम क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन है ना अच्छा राष्ट्रपति शासन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको ना हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज स्टेट इमरजेंसी क्या बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी अच्छा इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीनता आप अभी इमरजेंसी आपने सुना होगा दोस्तों इमरजेंसी ना तीन प्रकार से होती है देखो पहला हम लगाते हैं आर्टिकल नंबर 352 के अंडर में इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगता है इसके लिए ग्राउंड क्या है दोस्तों आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा हो कोई बाहरी जो दुश्मन देश है वो आपको आंख दिखा रहा हो ठीक है ऐसी अवस्था में सब होता है एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इन द केस ऑफ वॉर या तो युद्ध हो जाए या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए ऐसी अवस्था में आप अपने देश के अंदर में क्या लगा लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल दूसरा जो है मेरे पास वो क्या है दोस्तों दूसरा है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स और आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव है ना और तीसरा जो है दोस्तों वो है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी आर्टिकल थ्री सिक्सटी में क्या होता है इसके अंदर में आपातकालीनता लगती है ऑन द बेसिस ऑफ तो, फाइनेंशियल ग्राउंड हमारे देश में बीओपी क्राइसिस आ जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए इसका मतलब क्या होता है देखो हर दिन कुछ ना कुछ हम बाहर देश से आयात करते हैं कुछ ना कुछ खरीदते हैं तेल पेट्रोल ये सब खरीदा जाता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरीके के अकाउंट होते हैं इकोनॉमी में डिटेल से पढ़ोगे तो जो हमारा करंट अकाउंट होता है जो हम डेली बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है तो एक समस्या ऐसी हो सकती है एक समय ऐसा आ सकता है कि जब हम इस सक्षम ना रहें कि जो हम डेली इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हम पेमेंट दे पाए तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकालिनता जब देश का देश के अंदर बीओपी क्राइसिस हो जाए देश की वित्तीय हालत बहुत खराब हो जाए तो हम आर्टिकल 360 के तहत में क्या लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लेकिन यहां पर एक और बात है जिसकी बात है आर्टिकल नंबर 356 और 365 आर्टिकल 356 क्या कहता है ये कहता है कि जब राज्य के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए समझना मेरी बात को दोस्तों ये क्या कह रहा है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए मतलब संविधान ने एक मशीन बनाई हुई है किसके लिए राज्य के शासन को चलाने के लिए सुचारू रूप से क्या मशीन है मशीन ये है भाई कि एक सरकार बनेगी संविधान ने क्या, क्या क्या प्रावधान बनाया संविधान ने गवर्नमेंट का प्रावधान है गवर्नमेंट का प्रावधान क्या है मैं आपको बता देता हूं गवर्नमेंट में कहता है कि जो राज्य होता है ठीक है जो स्टेट होता है उसके अंदर में आपका बेसिकली एक लेजिस्लेचर होता है और स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो

संविधान क्या कहता है कि स्टेट में अगर किसी को सरकार बनानी है ना तो विधानसभा में किसी एक पार्टी को या गठबंधन को बहुमत प्राप्त करना होगा है ना तो अभी इसी के प्रावधान के तहत में हमारी पाण्डिचेरी जो है वहां पर किसकी सरकार चल रही थी वहां पर सरकार चल रही थी कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में वहां पर क्या कर रही थी शासन कर रही थी आप कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था बट उसने जोड़ तोड़ करके जैसे कैसे करके अपनी सरकार बनाई हुई थी अब जो संविधान ने बताया हुआ है संविधान क्या कहता है कि जो पार्टी सरकार में है वो हमेशा बहुमत में रहनी चाहिए किसमें विधानसभा में तभी वो सरकार रन कर पाएगी अगर कभी ऐसा हुआ कि इनका बहुमत कमज़ोर हुआ कमजोर पड़ा या कुछ एमएलए इनकी पार्टी छोड़ के इनका चले गए या किसी ने रिज़ाइन कर दिया या किसी ने किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी जैसे हरियाणा में सरकार बनी हुई है बीजेपी और एक आपका दुष्यंत चौटाला जो पार्टी है इनेलो में से जो बनी थी उस पार्टी के गठबंधन से सरकार यहां पे हरियाणा में बनी हुई है तो कल को अगर दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन ले लेता है तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी समझ रहे हो तो ऐसा होता है ठीक है तो पूर्ण बहुमत जो था अभी वो यहां पर नहीं था ठीक है तो इसीलिए अभी इनकी सरकार गिर गई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई जो संविधान में बताया गया था ना वो फेल हो गया और संविधान में जो बात बताई गई थी अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसी अवस्था में फिर क्या होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन वहां का जो गवर्नर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति को बोल देता है कि भाई यहां तो झंडे फट लिए यहां जिस पार्टी का बहुमत था वो नहीं है या बहुमत कम हो गया है या कुछ एमएलए भाग गए मतलब स्थिति गंभीर हो गई है उनकी अब उनके बात में हाथ में बात रही नहीं है तो गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को बता देता है कि भाई सुन ले हो हो लिया इनका हो लिया इनका सुपड़ा साफ तो फिर गवर्नर राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है वहां पर अपने उसके शासन को अपने हाथ में ले लेता है मतलब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है पूरा का पूरा शासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चला जाता है और उसको एडवाइस कौन करता है सेंटर से एडवाइस आती है केंद्र से डायरेक्शन आती है उसी के हिसाब से फिर सरकार चलता है इसको प्रेसिडेंट रूल तो पांडिचेरी में अभी राष्ट्रपति शासन क्या हुआ है लागू हुआ अंडर आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी सिक्स आप कहोगे सर आर्टिकल तीन सौ पैंसठ क्या है देखो केंद्र सरकार जो है बड़ा भाई है राज्य सरकार छोटा भाई है ठीक है तो बड़े भाई का जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई को बताया जाए है ना कि भाई ऐसे कर ऐसे कर जिंदगी में सफल रहेगा तो केंद्र सरकार की बड़े भाई होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां बनती है वो सलाह देता है किसको छोटे भाई को आर्टिकल तीन के तहत में जो सलाह दी जाती है और अगर उन सलाह को छोटा भाई नहीं मानता तो ऐसे में माना जाता है कि संविधान ने जो तंत्र स्थापित किया था उसका उल्लंघन हो रहा है और दोस्तों जब भी संविधान का उल्लंघन होगा सरकार क्या हो जाती है आपका खत्म जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी जो एक फैब्रिक बनाया हुआ है जब भी उसका वायलेशन होता है तो उसमें आपातकालीनता आप लगा सकते हो तो कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार कुछ सजेशन देती है लेकिन वहां पर वो अगर केंद्र राज्य सरकार उसको नहीं मानती तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसे हुआ भी है बहुत सारे केसेस में किया गया है इसीलिए आपका जो प्रेसिडेंट रूल है बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल आप कहोगे सर तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है सरकार जो केंद्र में पावर में सत्ता में वो कुछ भी कर सकती है हाँ वो कुछ भी सलाह दे सकती है देखो ऐसे कुछ तो भी तो नहीं देगी लेकिन हाँ इसका कई बार से केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल करती है तो जब भी हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तब तब प्रेसिडेंट रूल जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारे राज्यों ने साउथ के राज्यों ने सजेशन भी दिया कि प्रेसिडेंट रूल को हटा दो नहीं होना चाहिए बट वो अलग बात है वो अलग मुद्दा है तो हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट रूल कब लगता है जब राज्य के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए जो संविधान ने जो मशीन बनाई हुई है शासन की वो जब फेल हो जाए तो ऐसी अवस्था में वहां पर क्या लग जाएगा दोस्तों वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अब पॉंडिचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो बात हमने पहले भी समझ ली थी फिर समझ ली है ना ये बाकी आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था रिलेटेड सर्च में प्रोविजन के बारे में देख लेना आज एक यहां पर डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून दोस्तों ये दल बदल कानून क्या होता है समझना मेरी बात को संविधान के अंदर में यार जो नेता लोग है ना इनका कोई देनीमान नहीं है ठीक है मैं सच बोल रहा हूं वास्तव में अपने यहां पे नेता लोग का कोई दीनीमान नहीं है ये क्या करते हैं जिधर इनको फायदा दिखता है उधर खेस ठेसक जाते हैं पॉलिटिक्स वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत गंदी है कोई ईमान है नहीं यहां पे जिधर जिनको फायदा दिख रहा है अपने फायदे के लिए वो वहां पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं हमसे वोट लेते हैं और उसके बाद में जहां इनको फायदा दिखता है उधर ये खिसक लेते हैं कि चलो भाई इधर फायदा हो रहा है खिसक लेते हैं तो ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर में आम बात है आप लोग भी जानते हो मुझे भी पता है ठीक है ये बात जानते हैं तो ऐसा ही यहां पे कुछ होता भी है ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता भी है तो कई बार क्या होता है मान के चलो कुछ प्रावधान है तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने लग गई थी बीच में कि एक पार्टी मतलब रात में आप किसी पार्टी में हो है ना आप बीजेपी में हो सुबह मान के चलते हो आप समाजवादी पार्टी में चले गए उसके बाद अगले दोपहर तक आपने सोचा कि यार रही कांग्रेस में चलते हैं दिन में कांग्रेस में रात में फिर आप बीजेपी में आ गए ऐसा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लग गया था आया राम और गया राम का कल्चर बन गया था मतलब दिन प्रतिदिन धड़ल्ले से लोग पार्टियां बदल रहे थे अब इस ऐसी प्रैक्टिस से उसको रोकना जरूरी था तो उसके लिए उन्नीस के अंदर संविधान के अंदर में एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई जिसको हमने बोल दिया दल बदल कानून संविधान के अंदर दसवीं अनुसूची के तहत में हमने उन्नीस में फिफ्टी वंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हमने एक प्रावधान जोड़ा जिसका नाम था दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या कहता है कि भाई सुनो आप ये जो कर रहे हो ना एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो सदस्यता है सदन की वो कैंसिल हो सकती है मान के चलो कोई व्यक्ति है मैं ही हूं और मैं सदन का सदस्य हूं ठीक है मैं किसी भी या तो मैं स्टेट असेंबली में या मैं पार्लियामेंट में किसी सदन का सदस्य हूं ठीक है सदस्य होने के बावजूद मान के चलते हैं मैंने इंडिपेंडेंट के हिसाब से इलेक्शन लड़ा मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा लेकिन जैसे ही पार्टी कोई मैं जीत जाता हूं तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं या मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं तो ऐसे में मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन कानून के तहत में कार्रवाई हो सकती है और मेरी सदस्यता रद्द की जा सकती है पहला केस दूसरा केस क्या मान लो मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी की सीट से मैं जीत गया और मैंने जीत के देखा कि यार आ, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चला जाऊं तो ऐसे में भी मेरी सीट जो है वो रद्द हो सकती है समझ में आ रही बात आपको क्या कह रहा हूं मैं तो इन चीजों में मेरी सीट रद्द हो सकती है इसके बाद क्या होता है देखो मान के चलो आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो ठीक है लेकिन किसी वजह से पार्टी के आला कमान से आपकी बात बन नहीं रही तो जो पार्टी के जो निर्देश होते हैं जो विप जारी की जाती है आपको मानना पड़ता है जब आप सदन में बैठते हो तो अगर किसी बिल के ऊपर निर्णय है और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि मेरे सभी एमएलए को उस बिल का समर्थन करना है लेकिन आप आतंक क्रांतिकारी हो रखे हो कुछ ज्यादा आपको नहीं बस तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं तो मुझे तो गलत लग रहा है मैं इसको मैं इसको नकारात्मक इसका समर्थन नहीं करूंगा तो आप या तो पार्टी को बताओ पहले पंद्रह बीस दिन पहले बताओ जा, 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 सही तरीके से और अगर आप पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाते हो तो भी आप पे दल बदल कानून के तहत में आपकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है ये डिसिप्लिन लाने के लिए ताकि आप पार्टी से हट के ना चलो आप पार्टी से अपने आप को ऊपर ना समझो तो ये सारी चीजें इसलिए एक हमने कानून बनाया था दल बदल कानून अब इस दल बदल कानून का बहुत बार में ना तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल होता है इस दल बदल कानून का हर बार ठीक है तो उसी से संबंधित कुछ मुद्दों को यहां पर हाईलाइट किया गया है तो अपने को वो मुद्दे क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है अपने को बस एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना होना चाहिए और पॉलिटी के अंदर दोस्तों हर दो साल में या तीन साल में ये दल बदल कानून से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है आई एम डैम श्योर अबाउट दिस मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूं कि एक बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है तो आपको भी इसके बारे में ध्यान देना है प्रॉब्लम्स सोसिएटेड विदीडिफेक्शन लॉ जी एस पेपर टू से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनिकलिंग समझ में आई बात तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे ओके okay की रिपोर्ट है ठीक है और अगर समझ में नहीं आई तो आप बताओ मैं दोबारा समझा दूंगा वीडियो लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है आपका कर्तव्य है दोस्तों ठीक है वो आपको निभाना है ठीक है आपके जो गुण है वो आपके साथ रहेंगे मेरे जो गुण और अवगुण है वो मेरे साथ रहेंगे ठीक है देखो मैं बहुत बार बोल देता हूं ठीक है मतलब कई बार परिस्थिति विपरीत हो जाती है मित्रों जैसे क्लासेस का आजकल मेरे साथ चल रहा है है ना आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप जो भी काम करते हो कई बार आपके अगेंस्ट पड़ जाता है मेरे साथ ना कुछ समय ऐसा ही चल रहा है कि मैं काम करने जाता हूं सही लेकिन वो भी गलत हो जा रहा है मतलब तबीयत के कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जा रहा है ठीक है बट कोई बात नहीं देखो मैं अपने काम से प्यार करता हूं समझना मेरी बात को मैं काम से प्यार करता हूं मुझे पढ़ाना आपको अच्छा लगता है ठीक है और कभी कभी ऐसा होता है मैं भी अपने पद से भटक जाता हूं तो मुझे आदमी रियलाइज़ हो जाता है मुझे काम करने में अच्छा लगता है अब ये काम मैं किसी मंशा से नहीं करता हूं अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पैसे कमाने के उद्देश्य से कर रहा हूं ऐसा नहीं है मुझे काम करना अच्छा लगता है एंड दैट्स वट आई एम डूइंग मैं किसी कंपनी से प्यार नहीं करता मुझे काम से प्यार है जो मैं काम कर रहा हूँ ना आपके लिए मैं इससे प्यार है ना मुझे जो भी कोई देखता है ठीक है इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे कोई बात नहीं बट मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा इसको देखे ना उसको वास्तव में उसका टाइम वैल्यू जो है वो यूटिलाइज कर पाए उसको ये मेरा उद्देश्य होता है ठीक है तो बस समझना मेरी बात को मेरा काम के प्रति जो समर्पण पहले था ना ये काम मुझे बहुत प्यारा है बट मेरे साथ भी कुछ ना कुछ देखो समय सबका कई बार विपरीत हो जाता है तो अभी मेरा समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है बट मैं कोशिश कर रहा हूं उसको ठीक करने की तो जीएस पेपर टू से रिलेटेड है दोस्तों एसोसिएटेड विद द एंटी डिफेक्शन लॉ गॉट हाईलाइटेड अगेन इन द असेंबली अब ये क्या कह रहा है कह रहा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर से कानून से जुड़ी कुछ समस्याएं थी ना वो पॉंडीचेरी के मामले में फिर से बाहर आ गई मतलब दोबारा से एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कई बार क्या होता है दोस्तों कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में जो भी डिसीजन लेना है ना वो स्पीकर लेता है मतलब एंटी डिफेक्शन के बारे में जो भी आपको डिसीजन लेना है वो डिसीजन स्पीकर स्पीकर लेता है अब किसका होता है स्पीकर कई बार जिस पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो कई बार उसके फेवर में डिसीजन दे देते हैं ठीक है तो कई बार ये गड़बड़ पे हो जाती है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा टॉपिक बना देंगे एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है द लो वॉज अनेबल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द रूलिंग गवर्नमेंट विच लेड्स टू द इंपोजिशन ऑफ द प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट देखो हमने अभी बताया आपको हमने ये रूल हमने ये कानून क्यों पास किया था बताओ आप हमने कानून जो है आपकी सरकार में स्थिरता प्रदान करने के लिए किया था हमने कानून इसलिए बनाया था ताकि एक एम या एम एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ना बगे ठीक है जैसे कई लोग करते हैं आज इस पार्टी में आया राम कल उस पार्टी में गया राम तो ऐसे ना हो समझ रहे हो आप एक पार्टी छोड़ के सत्ता के लालच में कोई पार्टी ना बदलता बगे है ना इस चीज को इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमने किया था लेकिन वास्तव में कह रहा है कि जब जो पाण्डिचेरी में जो इसका पर्पस था वही क्या हो गया फेल हो गया सरकार को यह स्थिरता प्रदान नहीं कर पाया दोस्तों कहां पर पाण्डिचेरी में बात की जा रही है बैकग्राउंड ऑफ द एंटी डिफिक्शन लो अब इसमें भी देखो अब ये पाण्डिचेरी में क्या हुआ कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं क्योंकि आज पाण्डिचेरी में हुआ है कल कोई किसी और राज्य में होगा ये चलता रहेगा भाई ये अभी थोड़े दिन पहले एमपी में हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था ये चलता रहेगा इसका कोई वो नहीं है ये चलता रहेगा बट इससे जुड़े हुए मुद्दों को आपको समझना है समझना दोस्तों बैकग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ मैंने आपको बताया एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो संविधान के अंदर उन्नीस के अंदर इंक्लूड किया था हमने उन्नीस के अंदर में हमने एक संविधान में संशोधन किया था और उसके तहत भारत की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत हमने इसको इंक्लूड किया था शामिल किया था इसका मेन पर्पज क्या था इसका पर्पज था गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को स्थिरता प्रोवाइड करना ताकि विधायक जो है वो क्या ना करे वो जंप न मारे कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में ऐसा ना करें लो स्टेटेड एनी में ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द स्टेट लेजिसलेचर एम एल ए वुड भी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम देर ऑफिस इफ दे वॉटेड एनी मोशन कॉन्टेरी टू द डायरेक्शन इश्यूड बाई देर पार्टी ये क्या कह रहे हैं कि ये इनका मानना है कानून ये कहता है एंटी डिफेक्शन लो कि कोई भी एम पी या एमएलए ठीक है अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ में अगर जाता है तो उसकी जो पद है वो डिस्कालीफाई आपने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप संसद में गए या आप असेंबली सदन में गए ठीक है आप एमएलए बने एमपी बने ठीक है उसके बाद में आपको पार्टी के आदेश को मानना पड़ेगा पार्टी कह रही है कि किसी किसी कोई पर्टिकुलर मोशन चल रहा है अगर पार्टी कह रही है आपको सपोर्ट करना है तो आपको सपोर्ट करना है अगर पार्टी कह रही है आपको अगेंस्ट में रहना है तो आप कहोगे आप अपनी अलग से पूंगी नहीं बजाओगे कि भाई मैं तो अलग से चलूंगा ठीक है वो नहीं करना तो इस चीज को करने के लिए रोकने के लिए सब किया गया था एंटी डिफेक्शन लो ये याद रखना है दोस्तों भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया है बावनवे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में इसको दोस्तों क्या किया गया था लेके आए थे हम ठीक है दसवीं अनुसूची के अंदर हमने इसको ऐड किया है इसके बेसिक में एंटी डिफेक्शन प्रोसेस तो पूरी जो दल बदल कानून के जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो आपके संविधान की दसवीं में दी गई है द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉ वॉज टू प्रिवेंट द पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द रूलिंग गवर्नमेंट मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार को स्टेबिलिटी दी जाए ये जो नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं उसको क्या किया जा सके रोका जा सके टेंथ शेड्यूल फेसिलिटेट नंबर न बी डिसक्वालिफाइड इफ ही और शी वॉट्स कॉन्टेर टू दिस पार्टी इन डायरेक्शन क्या कह रहा है कि दसवीं अनुसूची के तहत में यदि कोई एम पी एम एल ए अपने पार्टी के निर्देश के विपरीत में वोट करता है तो उसको क्या किया जा सकता है उसको ए, पर, ए, उसको ए, उसकी सदस्यता को खारिज किया जा सकता है द स्पीकर और चेयरमैन इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड और इस मामले में जो फैसले लेने का अधिकार है वो स्पीकर के पास या चेयरमैन मतलब उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है मान लो ये मुद्दा राज्यसभा में चलता है तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास मान लो ये मुद्दा लोकसभा में चलता है तो स्पीकर के पास में सिमिलरली स्टेट असेंबली में भी ऐसा ही होता है इट इज एप्लीकेबल टू द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर ध्यान रखना भाई साहब ये तो संसद के साथ साथ विधानसभाओं पर भी क्या होता है लागू होता है ठीक है फर्दर एनी पर्सन डिसक्वालिफाइड फॉर द डिफेक्शन कैन नॉट गेट अ मिनिस्ट्रियल पोजिशन अनलेस ही और शी गेट्स री इलेक्टेड यदि मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसको पार्टी डिफेक्शन के आधार पर <coughs> <coughs> कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पार्टी के अंदर से डिस्कालीफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिक्शन फिर उसको कोई भी मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा उससे मंत्री का पद जो है दोस्तों वो ले लिया जाएगा ठीक है जब तक वो दोबारा चुनाव उस लड़के दोबारा से निर्वाचित ना हो जाए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद एंटी डिफेक्शन लो दोस्तों बहुत सारे इसके साथ में समस्याएं हैं पहला क्या इफ अ अ मेंबर मेंबर इफ ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ अटिकल पार्टी वॉलेंट्री गिवस अप द मेंबरशिप ऑफ हिस पोलिटिकल पार्टी देखो कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि वो जान पूछ के ऐसा नहीं करता मतलब जान पूछ के नहीं करता का मतलब क्या है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको पार्टी छोड़नी ही पड़ती है है ना उसने किसी लोभ लालच से नहीं किया उसने इच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दी है तो कई बार केस जेनविन भी होता है ठीक है पहली बात कई बार केस जेनविन होता है सपोज करो मैं किसी पार्टी में हूं और केस जैनविन है मुझे किसी का लालच नहीं है मुझे सत्ता का लालच नहीं है कि दूसरी पार्टी में जाऊंगा नहीं लेकिन मैं वास्तव में उस पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहता हूं मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता बट मैं उस पार्टी से सदस्यता छोड़ना चाहता हूं क्यों मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही समझ लो जो मेरे सिद्धांत है मान लो उस पार्टी से मैच नहीं कर रहे मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं मैं उससे त्यागपत्र देना चाहता हूं तो ऐसे में मेरी जो सदस्यता है सदन के अंदर उसका क्या होगा क्या मैं सदन का मेंबर रहूंगा नहीं रहूंगा तो ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं ये जानने दूसरा क्या वोट और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ इज पॉलिटिकल पार्टी हाउ इफ द मेंबर टेकन प्रायर परमिशन और बाय देर पार्टी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम सच वोटिंग्स एंड एबसेंटेशन मान के चलो भाई कोई मुद्दा है मेरे सिद्धांतों के विपरीत है ठीक है मान के चलो मैं किसी किसी कोई मूवमेंट था मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है और उसी से मुझे पहचान मिली है और अगर पार्टी को वोट डालनी है और पार्टी उसके फेवर में वोट डाल रही है मैं उसके अगेंस्ट में हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पार्टी को कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि भाई मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूँगा मैं इस वोट नहीं डालूंगा मैं पार्टी की जब वोटिंग होगी मैं एबस, मैं उसे एबसेंट रहूँगा लेकिन पार्टी उस केस में भी लीगल केस में भी जेनविन केस में भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन कानून का उपयोग करके उसको हटाया जा सकता है इंडिपेंडेंट पार्टी आफ्टर द इलेक्शन भाई मैंने चुनाव लड़ा मैं इंडिपेंडेंट था ठीक है लेकिन उसके बाद में अगर मैं कोई पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं अगर मैंने सपोज पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली किसकी जो पार्टी सत्ता में है तो भैया उनका तो स्पीकर खुद का होगा तो ऐसा होगा हो सकता है मेरा, मेरा पद बच जाए लेकिन मान के चलो केंद्र में सरकार में है बीजेपी और मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मैं इंडिपेंडेंट था तो फिर मेरा वो जो पद है ना वो खत्म होना वो जायज है क्यों क्योंकि भाई अलग पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं तो ऐसे केस में ऐसा होता है दोस्तों इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर अ पॉलिटिकल पार्टी मंथ आफ्टर ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर बाकी मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो कर दूंगा ठीक है मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा दोस्तों आपके लिए एक डिटेल वीडियो कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है समझ में आ रही बात अरे हर जगह चलता रहता है वेस्ट बंगाल में इधर उधर सब जगह चलता रहता है समझ में आ रही बात नितिन कह रहे कोरोना हो रहा है बावली बावली बूच हो गया क्या ठीक है ऐसा कुछ नहीं है यार ठीक है सॉरी मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ ठीक है पागल वाली बात नहीं करते क्यों पागलों वाली बात कर रहे हो यार कोरोना क्यों करवा रहे हो भाई मेरे को देखो ऐसा होता है जब भी सीज़न बदलता है ना यार तो मेरे को दिक्कत हो जाती है ऐसे ठीक है जब भी ऐसे दिक्कत हो जाती है मेरे को जब भी मैं ऐसे सीजन चेंज होता है ना सो <coughs> मेरे को ऐसे प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा एलर्जिक हूँ मैं सीजन जब भी बदलता है तो मुझे ऐसी दिक्कतें आती है मैं बीमार हो ही जाता हूँ है ना कितना भी मैं बचाव कर लूँ जब भी <coughs> सीजन बदलेगा गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी तो मैं ऐसा हो ही जाता हूँ ठीक है माफ़ी करना बुरा मत मानना यार मतलब ऐसे में फ्लो फ्लो में कह जाता हूँ ठीक है मैं भी आप ही की एज से बिलोंग करता हूँ देखो जैसे गुस्सा आपको आता है जैसे आप भी इंपल्सिव होते हो सारी चीज़ मेरे अंदर भी है मैं आप ही की एज से बिलोंग करता हूँ ठीक है हाँ थोड़ी बहुत मेरे अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मेच्योरिटी है थोड़ा पद है तो गरिमा है उसकी बट कई बार समझ रहे हो वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता ठीक है सो प्लीज डोंट मतलब बुरा मत मानना यार नितिन ठीक है बाकी ऐसा कोरोना वरोना नहीं हुआ है मुझे डोंट वरी अरे कोई बात नहीं वो मजाक कर रहा है मुझे भी पता है वो मजाक कर रहा है और मैं भी मजाक कर रहा हूँ इट्स ओके कंप्लीटली फाइन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार कोई दिक्कत नहीं है बीच में ज, जो था एक बार कोरोना हो भी गया था तो भी मैंने क्लास ली थी आप लोगों की जब भी मैं बहुत लंबे टाइम तक व्यस्त मतलब क्लास छोड़ के नहीं गया था ठीक है अभी भी टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा रहता है ठीक है सर भारी रहता है जुकाम खांसी फीवर है अभी भी फीवर है ठीक है अभी भी फीवर है बट काम तो देखो करना है ना देखो मैं जब भी मुझे लगता है ना कि नाउ आई एम ओके टू टेक द क्लास देखो मेरा ना मन मैं आपको सच बताता हूँ आप पता नहीं बिलीव करोगे नहीं जब मन कह देता है ना कि चल काम कर जब मन खुश होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्लास लेने में ठीक है आज मैंने आप लोगों ने कोई वीडियो डाली हुई है ठीक है स्टूडेंट्स नहीं तो मैंने आज वो वीडियो देखी ऑनेस्टली मैंने आज देखी कोई चार बजे के आसपास ठीक है एक बच्चा है वो शायद बाईजूस के अंदर में वो ब, बच्चा नहीं वो टीचर ही है वो बाईजूस के अंदर पढ़ाता है ठीक है बाईजूस के अंदर वो पढ़ाता है एंड वो मेरे से भी पढ़ता है ठीक है तो उनकी चंद लाइनें थी वो मेरे बारे में मुझे मतलब मज़ा आ गया सुन के वो बातें ना उनकी वो बातें सुन के मतलब मेरे अंदर फिर से एनर्जी भरी मैं सोच रहा था आज रेस्ट करता हूँ थोड़ा ठीक हो जाता हूँ रिकवर करता हूँ फिर क्लास लेंगे नहीं तो बच्चे सोचेंगे यार सर एक दिन क्लास लेते हैं दूसरे दिन मतलब लेकिन नहीं मेरे को लगता है ना कि मैं थोड़ा सा भी ठीक हूं तो मन करता है यार नहीं यार अब क्लास ले ले मतलब अंदर से कोसने लगता है क्योंकि ये काम करने में ना मुझे मजा आता है कई बार अगर है कि आपकी कुछ चीजों से मैं आत हो जाता हूं तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्या करूं जो बच्चे ही इस चीज को रिकोगनाइज नहीं कर रहे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे तो कई बार मैं उस चीज़ से आहत हो जाता हूं वरना जब भी मेरा मन अच्छा होता है ना और जब भी मैं थोड़ा सा भी ठीक हूं तो मुझे लगता है कि नहीं यार क्लास करते हैं क्योंकि तो मेरे अंदर से ना मुझे कोसने लगता है क्योंकि मैं ये काम किसी दबाव में या किसी लालच में नहीं करता मुझे अच्छा लगता है यार ठीक है इसीलिए मैं ये काम करता हूं मैंने बताया ना आपको मैंने क्यों शुरू किया था ये मुझे यूपीएससी की तैयारी को मुझे यूपीएससी की एजुकेशन को इतना आसान कर देना है मेरे बच्चों के लिए ठीक है जो मेरे साथ में जुड़े हैं कि वो ये लगे कि यार कर देंगे यार ठीक है यूपीएससी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो ज्योग्राफी में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार वाह ज्योग्राफी नहीं छोड़ेंगे देंगे भाई आप ठीक है वो मेरा पर्पस है वो मेरा उद्देश्य है ठीक है वो मैं काम करना चाहता हूं जिस बहुत हद तक जो बच्चे मेरे साथ जोग्राफी मेरे से पढ़ चुके हैं वो मेरा पर्पज सक्सेसफुल भी रहा है तो ये मेरा पर्पज है ठीक है चलिए दोस्तों माफी चाहूंगा थोड़ा सा आपका समय मैंने बर्बाद कर दिया चलिए तो ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना भी देंगे हम कोई दिक्कत नहीं रिलेटेड सर्च में आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है और नितिन सॉरी यार बुरा मत मानना ठीक है बाकी को, कोरोना <coughs> <coughs> नहीं है ठीक है दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हो भी सकता है बाकी मैंने चेक नहीं कराया ठीक है हो भी सकता मैंने है तो मैंने टेस्ट नहीं कराया ठीक है तो मैंने टेस्ट नहीं कराया बाकी मुझे पता है ये मेरे को हर बार होती है मौसम चेंज होता है सीजन चेंज होता है मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैंने चेंज नहीं करा हो भी सकता है आपकी बात सही हो ठीक है तो आपको दो चीजों पे काम करना है पॉलिटी की किताब उठानी है स्टेट लेजिस्लेचर पूरा पढ़ना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीओ पूरा पढ़ना है आपको ठीक है आप देखो एक आपको न्यूज बताई दो बातें आपने खुद से पढ़ लिया दिस इज द ये है तैयारी सुमित सर के पढ़ाने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा कोई सोच रहा है कि हम प्लस कोर्स खरीद लेते हैं तो खरीदने सेलेक्शन नहीं नहीं भाई तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा देखो प्लस के अंदर में आप आते हो ठीक है तो आपकी जो पढ़ाई मेहनत है ना वो आपकी कम हो जाती है ठीक है मेहनत कम हो जाती है तो ऐसा मान लो अगर प्लस कोर्स में आपको मेहनत करनी पड़ती है हंड्रेड परसेंट तो जो बच्चा यूट्यूब से तैयारी करेगा सिर्फ यूट्यूब से उसको तैयारी करनी पड़ती है फाइव हंड्रेड परसेंट इनसे पांच गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो खुद से भी सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं बुक सर मैं तो कोई भी वीडियो नहीं देखूंगा आपकी कोई बात नहीं आप अगर बुक से भी करना चाहते हो तो प्लस वालों के मुकाबले आपको हजार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इफ अगर आप कर सकते हो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सिलेक्शन तो बुक पढ़ने वालों का भी होता है भाई हमने किसी से थोड़ी ना सीखा था हमने किसी का प्लस थोड़ी ना लिया था बट हमने सीख लिया अगर आपको लगता है कि मेहनत कम करनी है तो इस पर आओ अगर और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत पे काम चला सकते हो ये और किताब से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है सो किताब से चीजें पढ़नी है अच्छा प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कमेटी एंड कमीशन विद रिगार्ड टू द एंटी डिफेक्शन लो मतलब कितनी कमेटियां और कमीशन जो है इससे संबंध में बने हैं ठीक है कमेटी और कमीशन में फर्क क्या होता है ये दो बातें आपको याद रखनी है. मतलब ये है कि मान के चलो स्पीकर ने या चेयरमैन ने कोई फैसला ले लिया क्या उस फैसले के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होता है मतलब क्या उस फैसले के ऊपर या क्या उस फैसले के बाद में आपका जो आप उसमें कोर्ट में जा सकते हो यह वाली बात यह पूछ रहा है ठीक है मर्जर वर्सेस स्प्लिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का टूट जाती है कई बार क्या होता है ना एक एमएलए नहीं दो एमएलए नहीं तीन एमएलए बहुत सारे एमएलए टूट के किसी पर, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं वो भी एक मुद्दा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं स्पेशल वीडियो पढ़ाऊंगा तो आपको याद रखना है स्प्लिट और मर्जर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी जो है यह क्या है इफ एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल टू द प्रेजिडेंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर भाई मान के चलो कल को राज्यसभा या जो लोकसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है कल को वही ऐसा कुछ करने लग जाए तो क्या उस पर वैल, वैलिड होगा रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कितने केस हैं उनकी verdicts क्या है ठीक है मतलब ये टॉपिक अगर आपने इतना कर लिया आप सोचो कितनी नॉलेज है जिस बच्चे ने कर लिया इतना पढ़ लिया जस्ट इमेजिन कि उसका इस टॉपिक के अलावा कितना काम हो गया ठीक है यार दिस इज द प्रोसेस डाट्स ये प्रोसेस है जिसमें मैं आपको एक कदम आगे रखने की प्रयास कर रहा हूँ ठीक है और ये काम आपके साथ कोई नहीं करता टॉपिक पढ़ा दिया न्यूज़ पढ़ा दी करंट अफेयर पढ़ा दिया न्यूज़पेपर पढ़ा दिया एडिटोरियल पढ़ा दिया मैं आपको एक कदम आगे रखने की बात कर रहा हूं ये आप करो जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है दोस्तों आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल आपके प्लस वाले ऑपरेट में ही कर रहा हूं उसको ठीक है ऑब्बियस बात है लेकिन उसको जो चलाने का काम है वो प्लस वाले स्टूडेंट कर रहे हैं उस पर काम प्लस के स्टूडेंट करते हैं तो आप ये जुड़ सकते हो यूपीएससी बोर्ड करके एक चैनल है हमारा तो आप उस पर जुड़ सकते हो ठीक है तो वहां पर ये सारी चीजें पहले तो खुद से करो ठीक है खुद से करो और नहीं हो रहा सपोज तो इनका पी जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा साथ ही साथ अभी उस चैनल पर जो मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन देते हैं सपोज ये मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया अब मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों आपको लिखना है तो आप कुछ पॉइंट्स बना लो अब कई कई बच्चे तो कर पाते हैं लेकिन कई स्टूडेंट्स नए हैं उनको नहीं होता तो उनको उनके लिए क्या है कि आप इन पॉइंट्स को उस ग्रुप से देख सकते हो वहां पर डेली आपको यह भी किया जाएगा कि इसका एक सिनॉपसिस बना के ना उस ग्रुप पे डाल दिया जाएगा फिर आप लिख सकते हो ठीक है तो वो आपके लिए हो जाएगा तो वो आप कर सकते हो ठीक है द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ हैज दिस लो लार्जली फेल्ड टू मीट इट ऑब्जेक्टिव डिस्कस देखो मुद्दा ये है सवाल मैं ये कर रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसका पर्पज क्या था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना है ना तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये अपने में क्या ये अपने काम में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हो पाया मतलब फेल हो गया है क्या ये और फेल हुआ है तो क्यों हुआ है क्या शॉर्टकमिंग थी ठीक है वो सारी बातें आपको करनी है तो मुद्दा क्या है द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ हैज दिस लॉ इज लार्जली फेल टू मिट ऑब्जेक्टिव क्या ये अपने तय ऑब्जेक्टिव जो थे इसके वो पूरा करने में क्या ये फेल हो गया है क्या ये बात आपको करनी है इस मुद्दे पे आपको चर्चा करनी है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 ठीक है अभी एक एनवायरमेंट एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट आई है कि भारत देश की एनवायरमेंट स्थिति क्या है एनवायरमेंट के हिसाब से हमारा क्या हाल है क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं क्या हम आज आज की जनसंख्या की जो जरूरतें उनको पूरा करते करते क्या हम सोच रहे हैं कि भविष्य में हमारे जो बच्चे आएंगे उनके लिए हम क्या कर रहे हैं क्या हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बना रहे हैं क्या हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या हाल है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी है तो उसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जिसका हम नाम करें स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट दो समझना मेरी बात जीएस पेपर तीन से रिलेटेड एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से बात हो रही है कि स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट दो हजार इक्कीस रिलीज द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट फॉर बाय द तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक सेंटर है ठीक है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है इस रिपोर्ट की मुख्य फाइंडिंग्स क्या है की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की पहली बात समझिए हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे बात हुई है हेल्थ इश्यू पे बात हुई है यहाँ पे क्या देखो क्या बात हुई है कह रहा है कि 375 मिलियन मिलियन के अंदर में मित्रों कितना होता है एक टू होता है आपका 10 लाख क्या होता है 10 लाख कह रहा है कि 375 मिलियन चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस का मतलब है कि जो नए बच्चे हैं जो अभी न्यू बॉर्नस है और 40 इयर्स ओल्ड तक 14 साल तक बात कर रहे हैं तो 14 साल तक के बच्चे जो हैं लाइकली टू सफर लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम बींग अंडर वेट स्टनिंग इंक्रीज चाइल्ड मोर्टैलिटी टू द लूज इन आपका लोसेज इन द एजुकेशन एंड द वर्क प्रोडक्टिविटी कह रहा है कि पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो बच्चे हैं जो जीरो से चौदह साल तक के बच्चे हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं वो अंडर वेट है अंडर वेट मतलब उनका वज़न कम है उम्र के हिसाब से वजन कम है उम्र के हिसाब से हाइट कम है उनको बहुत लंबे समय की बीमारियाँ हो रही है लंग्स रिलेटेड बीमारियाँ हो रही हैं ठीक है न्यूट्रिशन रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं उनको स्वास्थ्य में भाई प्रॉब्लम अगर होती है आप स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा जैसे मान लो मेरी हेल्थ सही नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा ऐसे अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा तो उसमें भी क्या होता है दोस्तों उसको लॉस होता है तो वर्किंग आपका एजुकेशन के अंदर लॉस हो रहा है और बच्चों की जो मोर्टैलिटी है मतलब जो छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही है वो ज़्यादा हो रही है किसकी वजह से दोस्तों पॉल्यूशन की वजह से तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि तीन मिलियन बच्चे जो है वो भारत के प्रदूषण से प्रभावित हैं ये बात बोल रहा है स्कूल ड्रॉप आउट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं अब देखो क्या प्रदूषण से स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बढ़ रहा है क्या स्कूल में जाने जैसे बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है तो अचानक पढ़ना छोड़ देगा क्या ऐसा होता है क्या प्रदूषण से तो ये उस पर कह रहे हैं कि पांच मिलियन चिल्ड्रन जो है दे आर फोर्स आउट ऑफ द स्कूल ग्लोबली एंड इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ दम मतलब ढाई सौ मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं मतलब बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से मुझे नहीं पता अभी कैसे बट ये रिपोर्ट बता रही है पुअर बिकम मोर पुअर कह रहे हैं कि गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है क्यों क्योंकि भाई बीमार होगा तो हॉस्पिटल के चक्कर ठीक है अब एक आदमी है गरीब है बेचारा बीमार हो गया तो इलाज में खर्चा और इलाज नहीं करा पाया तो अब वो काम जब तक इलाज नहीं होगा ठीक नहीं होगा तब तक वो अपना रोजगार पे नहीं जा पाएगा तो मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है दोस्तों 115 मिलियन एडिशनल पीपल्स माइट गेट पुस्ट टू द एक्सट्रीम पॉवर्टी कह रहा है कि इस प्रदूषण की वजह से लगभग 115 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत अत्यधिक गरीबी की तरफ में उनको धकेल दिया जाएगा ठीक है इंडिया का स्नेरियो क्या है देखो भारत को सौ बानवे देशों में से एक सौ सत्तरवीं रैंक मिली है किसमें आपका दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में ठीक है भारत पाकिस्तान को छोड़ दो तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के देश साउथ एशियन नेशन है ना जितने भी दक्षिणी एशिया के देश हैं एक पाकिस्तान से हम ऊपर हैं बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में भारत सबसे पीछे रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सौ देशों में से हमारी रैंक कितनी है दोस्तों एक जो बहुत ही शर्मनाक है आपके लिए और मेरे लिए भी है इंडियाज एयर वाटर एंड लैंड हैव बिकम मोर पॉल्यूटेड बिटवीन 2009 से 2018 भारत का जो आपका जो हवा है भारत का जो पानी है भारत की जो जमीन है वो 2009 में जितनी प्रदूषित थी उससे ज्यादा प्रदूषित हो गई है अब कब 2018 के अंदर कह रहे कि 88 मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं भारत के अंदर में अठासी ऐसे मेजर क्लस्टर का मतलब एक जगह है जहां पर बहुत इंडस्ट्री का हवा है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जहां पाई जाती है बहुत ज्यादा उद्योग जहां पे स्थापित है तो कह रहा कि 88 है कि अठासी बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं कंट्री के अंदर और इस रिपोर्ट की अगर माने तो 35 के अंदर में क्या दिखाया ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन 35 के अंदर हमें दिखाया कि जो 35 इंडस्ट्रियल क्लस्टर है हमारे अट्ठासी बड़े क्लस्टरों में से 35 के अंदर में हमने देखा कि एनवायरमेंट जो है उसका डिग्रेडेशन हुआ एनवायरमेंट खराब ही हुआ है वहां पर साथ साथ में तैतीस पॉइंटिंग एयर क्वालिटी तैतीस दिखा रहे हैं कि वहां पर एयर क्वालिटी बहुत खराब हुई है पैंतीस दिखाते हैं कि मोर पॉल्यूटेड वाटर की वहां पर पानी पहले से ज्यादा प्रदूषित हुआ है और सत्रह दिखाते हैं दोस्तों लैंड पॉल्यूटेड कि जमीन जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है बहुत खराब हो, हो गई है हालत बहुत खराब हो गई है तारापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड क्लस्टर के रूप में उभर के आया है कौन सा तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है तारापुर इज द इमर एज द मोस्ट पॉल्यूटेड क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर तारापुर सबसे गंदा और सबसे जो है आपका पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में उभर के सामने आया है। रीजन फॉर सच पॉल्यूशन इस प्रकार के पॉल्यूशन के कारण क्या रहे हैं देखो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पॉल्यूशन अचानक से बढ़ गया नहीं पॉल्यूशन तो पहले से बढ़ रहा है और जब पहले पॉल्यूशन बढ़ रहा था उस समय पे बताया गया था कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आपको ऐसे ऐसे कदम उठाने हैं मैं आपको बोल दूं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है आप पेड़ लगाओ लेकिन आप इस चीज को इस सजेशन को आप नेगलेक्ट करो आप कहो ठीक है ना क्या हो रहा 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 है तो रहा है है बढ़ बढ़ आप इस सजेशन को नेगलेक्ट करते हो तो ऐसा ही कह रहा है कि राज्यों ने उस सजेशन को नेगलेक्ट किया है लैक ऑफ एक्शन इन ऑफ कंट्रोल एंड रेड्यूस पॉल्यूशन इवन इन दरिया दैट दैट वेडी आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल और सीवियरली पॉल्यूटेड मतलब बहुत सारी जगह ऐसी है जो बहुत क्रिटिकली और सीवियरली पॉपुलेटेड थी बट उनके ऊपर समय पर हमने कार्रवाई नहीं की हमने उनको नजरअंदाज किया हमने उनको अनदेखा किया और उसके परिणाम हमें अभी देखने को मिल रहे हैं स्टेट परफॉर्मेंस किस राज्य की क्या परफॉर्मेंस रही है किन राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया किन राज्यों ने इसके मामले में बुरा परफॉर्म किया है समझना मेरी बात बात ऑन द बेसिस ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब जब मैं मैं किसी राज्य को इस बात पर मैं उसकी रैंकिंग दू कि उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसमें कह रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है उसमें आया केरला केरला सबसे पर, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में है उसके बाद दूसरा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश का फिर रहा है स्थान किसका आंध्र प्रदेश का फिर रहा है तमिलनाडु का और फिर किसका रहा है दोस्तों तेलंगाना का इस प्रकार से स्थान रहा है वर्स्ट परफॉर्मर वर बिहार झारखंड अरुणाचल प्रदेश मेघालय और उत्तर प्रदेश ये वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं सबसे खराब प्रदर्शन अगर देखें बिहार झारखंड इनका रहा है अरुणाचल प्रदेश मेघालय इनका रहा है वर्स्ट परफॉर्मेंस समझ रहे हैं बात सम कंटिन्यूड प्रॉब्लम अच्छा कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कंटिन्यू थी चल रही हैं अभी भी और एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों देखो फॉरेस्टेड लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड जो आपका सबसे प्रदूषण का बड़ा कारण क्या है दोस्तों जो हमारे पेड़ पौधे थे जो वन थे जो फॉरेस्ट लैंड थी उसको हम लगातार इंडस्ट्रीज के लिए अलॉट किए जा रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमने फॉरेस्ट के लिए रिजर्व की हुई थी बट हम वहां पर अब धड़ल्ले से इंडस्ट्रीज ला रहे हैं सो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन कंटिन्यूड इन द कंट्री ओवर अन्यारह हजार हेक्टेयर डाइवर्टेड इन द बाइस स्टेट इन दो हजार उन्नीस लगभग लगभग ग्यारह हजार हेक्टेयर जगह जो है ना वो बाईस स्टेटों के अंदर डाइवर्ट कर दी गई है दो हजार उन्नीस उन्नीस के अंदर आठ कोल के प्रोजेक्ट ग्रांट किए गए हैं इन द नोगो एरिया मतलब ऐसे इलाके थे जहां पर आपको कोल के प्रोजेक्ट तो लगा ही नहीं सकते हो आप लेकिन ऐसे इलाकों में नो कोल प्रोजेक्ट को भी सरकार ने सैंक्शन किया है ठीक है वो डाइवर्ट अनदर 19614 हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्टेड फेल ओवर 1 मिलियन ट्री एंड इविक्ट ओवर 10000 फैमिली कह रहा है कि इसकी वजह से लगभग लगभग 19614 हेक्टेयर पर जो फॉरेस्ट की जगह थी उसके ऊपर से पेड़ कटे हैं और लगभग लगभग 10000 फैमिलियों को वहां से हटा हटना पड़ा है इविक्ट होना पड़ा है इसके बाद कर इकोनॉमिक फैक्टर अब देखो इससे पेड़ कटे हैं पॉल्यूशन हुआ है प्रदूषण हुआ है, इस प्रदूषण से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ लोग मरे हैं ये बात समझ लो आप लोग मर रहे हैं लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी पर भी है ना भाई एक अच्छा आदमी स्वस्थ आदमी होगा तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा कह रहा है इसका इकोनॉमिक लॉस भी रहा है कह रहा, रहा है सिक्सटी सेवन मिलियन इंडियंस डाइड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन इन दो हजार उन्नीस सिक्सटी सेवन मिलियन सड़सठ मिलियन लोग यानी कि छ सौ सत्तर लाख लोग कह रहा है कि उनकी 667 मिलियन इंडियंस डाइड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन उन्नीस इतने लोग मरे हैं हवा के वायु के प्रदूषण की, की, की वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट पर अब ये लोग मरे हैं मान लो ये लोग नहीं मरते तो ये काम करते तो कहते इनसे इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता कहते इससे 36 हजार मिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन होता जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 1.36% है एक दशमलव छत्तीस परसेंट है भारत की अर्थव्यवस्था का ऐसा यहां पर बताया जा रहा है ठीक है समझ में आई बात दोस्तों आपको इकोनॉमिक लॉस है समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर ओके की रिपोर्ट है नहीं आया तो आप बता दीजिए मुझे ठीक है थैंक यू चायाश्री देखा थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू ठीक है ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे यार मतलब एनर्जी फील होती है स्टेट मैं अभी एक लिंक शेयर करूंगा आपके पास ठीक है वो जो बच्चे ने जो बात बोली यार मुझे बड़ा अच्छा लगा ठीक है आई एल शेयर दैट लिंक ऑन द टेलीग्राम ठीक है आपको मैं शेयर करूंगा एंड प्लीज गाइज उसको देखिएगा जरूर एक बार मतलब मेरा ये मानना है तो उस बच्चे के एफर्ट को मैं रिकोगनाइज करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच यार जो भी एफर्ट कर रहे हो आप थैंक्स अलॉट बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि आप ही लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है आपको मोटिवेशन चाहिए आप किसको बोलते हो सर हम आपको सर हम तो आपकी क्लास से देख के मोटिवेशन लेते हैं आपसे भाई आपको भी मोटिवेशन मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है ठीक है मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो जब मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मुझे भी चाहिए ना मोटिवेशन तो मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है एंड थैंक्स फॉर योर एफर्ट दैट यू आर डूइंग दिस मच ठीक है मेरे को दोबारा से फॉर्म में ला लाने के लिए आप जो कर रहे हो थैंक यू वेरी मच स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट आपको एक बार इस पर सर्च कर लेना और भी अच्छे से रिपोर्ट ऑन इंपैक्ट ऑफ कोविड बच्चों क्या प्रभाव रहा है? UN एक रिपोर्ट, ये, उसको देखना है. रिपोर्ट विंटर ये भी आई है आपका सीएससी की विंटर के अंदर में बहुत बढ़ गया दो तीन दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था ठीक है दो तीन दिन पहले ही हमने इस टॉपिक पर पढ़ा था चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रलिम्स में सवाल कहां से आ सकता है देखो इस रिपोर्ट से सवाल आ सकता है स्टेट एनवायरमेंट रिपोर्ट से आपकी मुख्य मुख्य बातें कौन सा राज्य इस रिपोर्ट में आगे रहा किसने किसने केरला ने सबसे अच्छा सबसे अच्छा परफॉर्म किया किया खराब बिहार ने किया इनसे सवाल आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग जो होती होती है है वो क्या स्टेट परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर किस राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह ठीक है लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्या है ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है अब बात करते हैं मेंस के लिए मेंस के लिए क्वेश्चन से इस टॉपिक से क्या सवाल बन रहा है देखो डिस्कटी एक्टिविटीबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एनवाइट देखो यार हम लगातार इन, इन प्रदूषण बढ़ रहा है वायुमंडल के अंदर एनवायरमेंट के अंदर प्रदूषण इन कारणों की वजह से बढ़ रहा है हम मानते हैं इस बात को है ना लगातार हम उन मुद्दों को उठाते हैं लगातार हम उन मुद्दों पे बात करते हैं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे बात करने के बावजूद भी चलते रहते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता वो मुद्दे वो चीजें अनबेटेड चलती रहती है और उनसे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है फैल रहा है तो वो एक बड़ी समस्या है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा सो दिस इज द मेन स्पेसिफिक मेन्स के ऊपर इस पर काम करना है आपको ठीक है अच्छा अगली बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अब स्वच्छ से नाम समझ में आ गया दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन का ही भाग होगा तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में फेज फोर के अंदर में कुछ प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया कुछ जगह को आइडेंटिफाई किया गया और ये कहा गया कि इन प्लेस को हम स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाएंगे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस मतलब बिल्कुल गंदगी हटा देंगे यहाँ से ताकि डोमेस्टिक और जो फॉरेन टूरिस्ट है वो वहाँ ज्यादा जाए ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवल करें और उनसे हमारे यहाँ पर क्या हो दोस्तों जो देखो अपना देश वाला जो सिस्टम है वो मतलब बढ़िया हो है ना जो हमारी भारत की धरोवर है हेरिटेज जो है उसको देखें जिसे टूरिज्म के अंदर में भी एक पॉजिटिव इंपिक्टस मिले टूरिज्म बड़े देश के अंदर तो वो सारी बातें की जा रही पेपर वन का भाग है अर्बनाइजेशन देयर देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ बारह साइट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दू द स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर फेज फोर अब यहां पे ध्यान देना ये चौथा फेज है ये कौन सा फेज है सर फेज फोर्थ है मतलब तीन फेज ऑलरेडी चल चुके हैं इसके दिस इज द फेज नंबर फोर तीन फेज ऑलरेडी हो चुके हैं तो फेज फोर के अंदर में बात क्या चल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने कुछ साइट्स को अनाउंस किया है और क्या कहा है कि भाई इस साइट इन साइट्स को हमें स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बनाना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेस्ट के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी स्वच्छता जो लोग यहां पे आए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले तो उसके लिए यहां पे बात की जा रही है ठीक है इन साइट्स के नाम क्या क्या है दोस्तों पहला नाम रखा गया अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर सांची स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है ठीक है उसके बाद में कुंबलगढ़ का फोर्ट राजस्थान के अंदर है जैसलमर का जैसलमेर का फोर्ट राजस्थान के अंदर देखो यहां पर बताया गया है ठीक है दिस इज द आगरा फोर्ट यूपी कुंबलगढ़ फोर्ट राजस्थान रॉक गार्डन चंडीगढ़ डल लेक जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद बाके बिहारी टेम्पल कहाँ है यूपी के अंदर उसके बाद कालीघाट टेम्पल कहाँ है पश्चिम बंगाल के अंदर सन टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों उड़ीसा के अंदर उसके बाद आपका गोलकंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पर है तमिलनाडु के तेलंगाना तेलंगाना से मुझे आज भी कहानी याद आती है ठीक है मुझे नाम से ही कहानी याद आ जाती है पता नहीं क्यों उसके बाद अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर उसके बाद रामदेवरा टेम्पल राजस्थान के अंदर उसके बाद जैसलमेर फोर्ट राजस्थान के अंदर सांची स्तूप एमपी के अंदर ठीक है ये सारे हैं ये प्लेस है इन साइट्स का नाम दिया है हमें इन साइट्स को स्वच्छता की दृष्टि से हमें इनको और इंप्रूव करना है और स्वच्छता के मानकों पे खरे उतरते हमें इनको स्वच्छ आइकॉनिक साइट के रूप में उभार के बाहर लेके आना है ठीक है ठीक है ये सारी साइट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूं एम क्या उद्देश्य क्या है दोस्तों देखो इनिशिएटिव का एम है टू एनहैंसिंग द एक्सपीरियंस इथ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरन विजिटर बाय इंप्रूविंग द सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस स्टैंडर्ड एट द एट एंड अराउंड दी साइड देखो हम ये चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो हम ये चाहते हैं कि इस जगह की स्वच्छता को इस साइट के आसपास को इस साइट की स्वच्छता को क्या किया जा सके इंप्रूव किया जा सके अच्छा किया जा सके ये हमारा उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस आई पी स्वच्छ आइकोनिक प्लेस इज टू अचीव अ डिस्टिंक्टली हायर लेवल ऑफ सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस एट दिस प्लेस स्पेशलीन द पैरिफेरीज एंड द अप्रोच एरिया हमारा उद्देश्य यही है कि आसपास के इलाकों में और इन इलाकों में हमें हायर लेवल ऑफ सैनिटेशन को अचीव करना है बढ़िया सैनिटेशन के मापदंड को हमने क्या करना है दोस्तों बढ़ाना है हमें उच्च स्तर का बनाना ये यह हमारा यहां पर क्या है दोस्तों उद्देश्य है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को कौन कौन से मंत्रालय जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे द प्रोजेक्ट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आता है ऐसे सवाल इंडिया बुक से पूछे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द कंसर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट वट इज स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस आप समझ लो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस है क्या देखो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस एक इनिशिएटिव था जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत में चलाया गया था ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत में चलाई गई एक पहल थी दोस्तों ये स्पेशल क्लीन अप इनिशिएटिव था है ना जो फोकस कर रहा था कि कुछ सेलेक्ट हम हेरिटेज या स्पिरिचुअल और कल्चरल प्लेस छांटते हैं हम दुनिया कंट्री के अंदर हम कुछ ऐसे जगहों को छांटते हैं जो स्पिरिचुअल हो कल्चरल हो ऐसे प्लेसेस को हम छांटते हैं और उनको हम साफ करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के रूप में हम उनको बनाते हैं आगे लेके आते हैं उभार के तो ये था अच्छा अब रिलेटेड सर्च में दोस्तों ये फोर्थ फेज था तो अब तक के तीन फेज के अंदर में कौन कौन से आइकॉनिक प्लेस आपके कवर हुए हैं बस आपको एक ओवरलुक लेना है उनका ठीक है साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है ठीक है इसके बारे में भी क्या करना है दोस्तों आपको पढ़ना है ठीक डन हो जाएगा चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं तो यहां पर प्रलिम स्पेसिफिक में आ जाओ अबाउट द स्कीम स्कीम के बारे में पढ़ना है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स उसके बाद में प्लेस विच आर सेलेक्टेड अंडर द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस

इसका महत्व तो क्या है स्वच्छता के परिपेक्ष में देखो दोस्तों मैं जो काम कर रहा हूं ना उसका फायदा तभी होगा जब आप भी मेरे कई हुए काम पे अमल लाओगे मैं रोज क्वेश्चन देता हूं मैं रोज बोलता हूं लिखो 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 लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं लिखते होंगे इवन मैं कह रहा हूं प्लस वाले बच्चे ही होंगे जो नहीं लिखते होंगे अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आप अपने लिए ही समस्या क्रिएट कर रहे हो ठीक है आपको ये काम करना है सीरियसली ये काम करना है तो उस काम को करो उस काम को मतलब महत्व तो समझो उस चीज का क्योंकि क्यों, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं अगर उस चीज का महत्व तो नहीं होता मैं नहीं बोलता आपको ठीक है तो लिखा करो ये इंडिया चाइना एग्री टू तो एस्टैब्लिश न्यू हॉटलाइन ये देखो भारत और चाइना के बीच में तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है तो अभी एक नया डिस्कशन हुआ है चाइना और इंडिया का कि एक चलो नई हॉटलाइन बना लेते हैं हॉटलाइन का मतलब क्या होता है ये मिलिट्री के बीच में जो होते हैं ना सेना के जो प्रमुख है उनके बीच में बातचीत का एक वो होता है मतलब कहां से वो बात कर सकते हैं हॉटलाइन सीधी बात हो सकती है तो भारत और चाइना ने कहा है कि ठीक है हमारे विवाद लगातार चलते रहते हैं हम पड़ोसी देश है और विवाद लगातार चलते रहे उनका समाधान करना भी जरूरी है तो हम एक हॉटलाइन बना लेते हैं और उस हॉटलाइन पे जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम आएंगे उस हॉटलाइन पे क्या कर लेंगे चर्चा कर लेंगे सो इंडिया चाइना एग्री टू एस्टैब्लिश न्यू हॉटलाइन देखो क्या कह रहा 3 है जीएस पेपर तीन का टॉपिक है ठीक है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कह रहा कि रिसेंटली इंडिया एंड चाइना अनाउंस दैट बोथ आई हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश हॉटलाइन कि भारत और चाइना दोनों एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश करने पे एग्री हो गए हैं सहमत हो गए हैं हॉटलाइन क्या होती है दोस्तों द डिसीजन टू इंस्टॉल अ हॉटलाइन बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज टेकन ओवर और अ टेलीफोनिक मीटिंग बिटवीन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड चाइनाज फॉरन अफेयर मिनिस्टर तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइना के फॉरन मिनिस्टर के बीच में बातचीत के बाद में ये डिसीजन लिया गया चलो एक हॉटलाइन जो है हम बना लेते हैं हॉटलाइन क्या होता है डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होती है ठीक है एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन होती है जिसपे वो बात कर सकते हैं इन द कांस्टेंट ऑपरेशनल रेडीनेस सो दैट इट फैसिलिटेट इमीडिएट कम्युनिकेशन इसे लगातार बातचीत हो सकती है मान लो कोई मुद्दा आ जाए कल को फिर से कोई गड़बड़ हो जाए तो तुरंत यहां पे बातचीत की जा सकती है हॉटलाइन विल बी हेल्पफुल इन टाइमली कम्युनिकेटिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द व्यूज बिटवीन द टू कंट्री समय रहते इस हॉटलाइन से जो है बात करके आप इस प्रकार के जो बड़े मुद्दे बढ़ जाते हैं आप उनको क्या कर सकते हो रोक सकते हो इंडिया का स्टैंड कहां है देखो अभी भारत और चीन के बीच में दिक्कत बहुत बढ़ रही है भारत का स्टैंड क्या था मैंने आपको बताया था ठीक है भारत चाहता था कि चाइना हमारे कंसर्न को समझे चाइना क्या कह रहा था चाइना कह रहा था कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे हम दोस्ती करना चाहते हैं हम भारत को अपना दोस्त बना के रखना चाहते हैं लेकिन तुम बॉर्डर वाला मुद्दा मत फंसाओ तुम ओवरऑल रिलेशन के बारे में बात करो ना बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है वो एक तरफा बात है आप जब चाइना के साथ संबंध की बात करते हो तो आप बॉर्डर के मुद्दों को साइड रखो ये चाइना कह रहा तुम पागल है मेरा मन कर रहा था रैपटा मारू खींच के कैसे अलग कर ले अरे बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ठीक है तुम अंदर घुसे जा रहे हो तुम क्या चाहते हो कि तुम हराम का माल एच के का माल कब्जे में ले लो इधर से और हम तुम्हारे साथ संबंध अच्छे रखें हम तुम्हारी ऐप को चलाएं हम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़वाएं अपने यहाँ पे ठीक है हम तुम पे सेंक्शन ना लगाएं हम तुम्हारा चाइनीज घटिया माल खरीदते रहें ये चाह रहा था चाइना भारत कह रहा था कि भाई तुम्हें थ्री एम के ऊपर काम करना पड़ेगा तुम्हें म्यूचुअल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखनी पड़ेगी ठीक है हमारी भी रेस्पेक्ट करो तुम अपने आप में भने का मत बनो म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो मुद्दा हमारे लिए सेंसिटिव है तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा उसको अगर तुम हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो ना तो जिस मुद्दे के प्रति हम संवेदनशील है तुम्हें भी अपनी संवेदना उसमें रखनी पड़ेगी हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा बहुत संवेदनशील है तो तुम मुंह उठा के वहां से नहीं तुम सी पैक बना दो हमसे पूछो भी ना ठीक है तो ये बात है तीसरी बात कह रहा म्यूचुअल म्यूचुअल इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए भाई आप जब तीन एम का फा, फा, आप आप से जब का फॉलो करोगे तो हम आपके साथ दोस्ती करेंगे हम आपके साथ संबंध अच्छे बनाएंगे मैंने खुद आपसे एक ये टॉपिक डिस्कस किया था अगर आपको याद हो दो डिसेजमेंट फॉलोडिड बाय द विल लीड टू पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इवेंचुअली नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टाइम अब ये क्या कह रहा है कि ये जो डिसंगेजमेंट अभी हो रहा है तो भारत कह रहा था कि करते हैं बॉर्डर एरिया के ऊपर तुम अपनी आर्मी को पीछे हटाओ हम अपनी आर्मी को पीछे हटाते हैं लेकिन चाइना उसके लिए भी एग्री नहीं था अभी जाके चाइना मानना ही है ठीक है चाइना क्या कह रहा था कि हमारी जो रिलेशन है वो अच्छी रहेगी लेकिन ओवरऑल रिलेशन में ना तुम बॉर्डर का डिस्प्यूट मत लेके आओ तुम बॉर्डर को भूल जाओ वैसे देखो ना भारत और चाइना कितने अच्छे दोस्त हैं ठीक है काय के दोस्त है भाई अभी तुम बॉर्डर पे हमारे देश में घुसे जा रहे हो तुम हमारी देश की सॉवरिटी की तुम चिंता करते नहीं हो तुम काहे गे दोस्तों हमारे ठीक है तो ये दो मुआ सांप है इसके दोनों फंड को चलने पड़ेंगे हमें ठीक है ना सो द इंडिकेशन वॉज द टू साइड्स शुड रिटर्न टू द बिजनेस एड यूजल वाइल द इशू डेल्ट विद ये कह रहा है कि बिजनेस की बात पे आओ ना बॉर्डर पे जो चल रहा है चलते रहने दो बिजनेस पे आ जाओ बिजनेस करो हमारे साथ तो ये चाइना का स्टैंड था और आपको पता है जैसे जैसे हो रहा है दोस्तों देखो पहले मई 2020 के अंदर भारत और चाइना के बीच में दिक्कत हुई नथुला पास के ऊपर सिक्किम के अंदर फिर सिक्किम के बाद में टेंशन हो गई दोस्तों लद्दाख के रीजन में पेंगोंग लिंक वाले इलाके में उसके बाद में इंडियन चाइनीज आर्मी दून दो के बीच में भारत और चाइना की आर्मी के बीच में दिक्कत हुई कहां पर गलवान वैली उसके बाद पैंगोंग सॉ लेक के अंदर उसके बाद आपका दैमचौक उसके बाद दौलत बेग ओल्दी रोड इन ईस्टर्न लद्दाख ठीक है ये सारे के सारे जो है अभी रिसेंट में भारत और चाइना के बीच में क्या रहे हैं दोस्तों चिंता और विवाद के मुद्दे रहे हैं यहां पर जो है विवाद बढ़ा है उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक पूरा समझ आ रहा है आपको उसके बाद जून 2020 में इंडिया ने चाइना की उनसठ ऐप को हमने बैन कर दिया चलो भाई चाइनीज ऐप है बंद उसके बाद इंडिया ब्लॉक 43 नई मोबाइल ऐप मोस्टली चाइनीज नवंबर 2020 में फिर बैन कर दिया हमने द बैन वॉज हैज़ बीन इन्फोर्स अंडर द सेक्शन सिक्सटी नाइन ये आजकल देखो ये बहुत चर्चा में है सेक्शन सिक्सटी नाइन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन 69 नाइन ए क्या देखो देश के सिक्योरिटी के जो हित में होता है ना उन चीजों को हम बैन कराते हैं इस इस एक्ट के तहत में उसको बैन कराते हैं ये आजकल बहुत चर्चा में है हमने ट्विटर के साथ भी इस पर कुछ बातचीत की थी तो ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फरवरी दो में इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है अब एक एग्रीमेंट करते हैं और पेंगोंग लेक से धीरे धीरे डिस करते हैं चाइना कह रहा है मैं पीछे हटता हूँ भारत कह रहा है मैं भी पीछे हट जाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वे फॉरवर्ड क्या आगे का रास्ता क्या देखो आगे का रास्ता तो यही है चाइना जो हमसे ठीक है सम्मान से बात करे म्यूचुअल थ्री एम के ऊपर काम करे है ना ये बात ना करे चाइना की तुम बॉर्डर को भूल जाओ हम तुम्हारे इधर भी घुसते रहेंगे तुमसे व्यापार भी, भी करते रहो गुस्सा बड़ा आता है ये बात सुन के ना मेरा उस दिन भी खून खोल रहा था आज भी मेरा खून खोल जाता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये बात को इट इज इंपेरिटिव फॉर द टू साइड्स टू चैरिश दी हार्ड वोन रिलैक्सेशन कह रहा है कि दोनों अभी मुद्दा गर्म था अभी कैसे कैसे करके ना दोनों देशों के बीच में थोड़ी शांति आई है तो ये कह रहा है कि दोनों देशों को उसको चेयरिस करना चाहिए ठीक है चेयर्स करना चाहिए एक एक पैक बनाओ ठीक है मामले को चेस करो और धीरे धीरे इसके ऊपर काम करो ताकि फ्यूचर के अंदर में एक अच्छी पार्टनरशिप हम बिल्ड कर पाए बिंगा पड़ोसी देश एज द टू इमर्जिंग बिग इकोनमी चाइना एंड इंडिया नीड टू परस्यू द डेवलपमेंट अग साइड ईच अदर्स मूव फॉरवर्ड्स इन द पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ हंडरेंस एंड वर्क टूगेदर फॉर द शेयर प्रोग्रेस रेदर देन द एक्टिंग तो भारत तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हम ये नहीं चाहते तो भैया कह रहा है कि जी ये साथ मिलके आगे बढ़ते ना प्रोग्रेस के रस्ते पे चलते एक दूसरे के मार्ग में अड़चन की अड़चन या बाधाएं बनाने से अच्छा क्या है एक दूसरे का साथ दे एक दूसरे का फायदा करें एक दूसरे के हित में काम करें तो वो अच्छा है मिल काम करें वो बेटर है इंडिया एंड चाइना also need to advance the boundary talks to build up the mutual trust and realize the peace and इन in the border area. जो jo lac pe hamara हमारा मुद्दा चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल उन मुद्दे को आगे बढ़ाओ ठीक ठाक उसको सुलटाओ यही बात है Related search में दोस्तों आपको देखो कुछ positions है जो map में देखनी है Nathula Pass, उसके बाद पेंगोंगसा लेक उसके बाद में गलवान वैली आपको ना मैप पे यू याद होनी चाहिए जम्मू कश्मीर बनाओ ऐसे ठीक है और यहां पर ठीक है यहां पर लिख दो सुदीप बता दो कहां पर कौन सी कौन सी जगह है ठीक है यूम एकदम ऐसे बता दो जब मजा आएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रेलम्स में आपसे ये सारी बातें जो है पूछी जा सकती सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये है ये सेक्शन 69 जो है इसका है नहीं ये टॉपिक अलग है बट यहां से ये बातें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है मेंस पे आ जाते हैं व्हाट इज हॉटलाइन हाउ इट विल कंसीडर द डिस्प्यूटेड एरिया टर्न्स इनटू द पीसफुल एग्रीमेंट है ना इसके बारे में आपको लिखना है चर्चा करनी है ठीक ओके की रिपोर्ट है ओके की रिपोर्ट है अरे क्या हो गया कौन सा नितिन क्या दिक्कत होगी क्या हुआ भाई नितिन क्या हुआ नितिन को क्या दिक्कत हुई भाई बताओ यार कोई मुझे समझाओ क्या हुआ नितिन को क्या हुआ ठीक है अंजू ऑलरेडी किया हुआ बट मैं कर दूंगा डोंट वरी ठीक है एक अलग सेशन कर देंगे उस पर थैंक यू थैंक यू अदिति थैंक यू राज गांधी इनके आंसर में वही कह रहा हूँ ना इनके आंसर आपको एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएंगे यूपीएससी बोट करके है मैं तो सब ही कुछ मैं ही कर दूँ तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे अगर सब कुछ मैं ही करके दूंगा ना तो मैं तो सिलेक्शन मेरा होगा तुम्हारा नहीं होगा समझ रहे हो इस बात को तो कुछ चीज़ें में तुम भी मेहनत करने लग जाओ मतलब ऐसा तो मत करो तुम भी एच के चक्कर में आ गए हो सारे बच्चे है ना कि सर आप ही कर दो सब कुछ हम तो बैठे खाएंगे ऐसा मत करो यार कुलदीप कुमार कौशल आप मुझे मेल कर लीजिए सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा आपको पता है ना जो डिस्काउंट है मार्च तक जो अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे था ना वो कल से बढ़ जाएगा कल से डिस्काउंट घट जाएगा मतलब अभी टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है आपको वो डिस्काउंट फाइव परसेंट हो जाएगा जिन बच्चों को वास्तव में ज्वाइन देखो जिनको नहीं करना मैं उनको फोर्स मैं ही नहीं कह रहा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है बट जिनको लेना है और जो सोच रहे हैं और जिनने प्लान किया हुआ है ठीक है जिनने डिसाइड कर रखा ऑलरेडी भाई मुझे करना है मैं ही नहीं कह रहा आप ले लो बट जिन्होंने सोचा हुआ है उनको जो करना है तो कल से बढ़ जाएगा कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर दो सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे ये मेरी मेल आईडी है सुमित राठी थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मुझे मेल कर दो और कोई डाउट है तो मेरे से बातचीत कर लो कल आखिरी दिन है कल अंतिम दिन है उसके बाद डिस्काउंट जो है वो कम कर देंगे ठीक है क्यों ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दैट डजेंट मीन्स कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती जाओ सब्सक्राइब कर लो ये मैं उनसे बोल रहा हूं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ ऑलरेडी जिन्होंने सोचा हुआ था हमें सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है मैं पढ़ाऊंगा सोल मोटिवेशन लैंडफॉर्म्स मैं पढ़ाऊंगा आप टेंशन क्यों ले रहे लेड फॉर्म्स मैंने कराए हुए भी हैं बट मैं खुद से कराऊंगा आप चिंता मत करो ठीक है ग्रुप नेम भावना ग्रुप का नाम है यूपीएससी बोट ठीक है यूपी मैं टेलीग्राम पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है टी डॉट एम ई स्लैश सुमित राठी यूपीएससी ये तो आपने ज्वाइन किया होगा ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर मैं लिंक दे दूंगा इसके ऊपर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां पर ये सारी चीजें हम करते हैं मतलब रिलेटेड सर्च का और सिनॉपसिस वगैरह का काम आपको मिलता है ना तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है यहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा डन ठीक है ओके नवदीप ठीक है बात आ गई आपकी मेरे पास थैंक यू साइमा कामर थैंक यू थैंक यू वेरी मच ठीक है आप हमारे साथ और भी जुड़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए भी जुड़ सकते हैं एनवायरमेंट भी हम कर रहे हैं तो आप बहुत सारी क्लासेस हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए और ज्योग्राफी को हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं ठीक है पुराने वाले बच्चों का तो ठीक है रहेगा ही जो नए बच्चे लेकिन इस बार हम शुरू कहाँ से करेंगे हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से ठीक है मैं आपकी बात समझ गया फिर बच्चे से जो तो सर इतना पढ़ लिया फिर से नहीं मैं क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं अगला है दोस्तों रिवर ब्यास रिवर ब्यास का पता है ना आपको जो जो रिवर ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है रोहतांग पास से निकलती है इंडस जो नदी है इंडस की ट्रिब्यूटरी है इंडस में पांच ट्रिब्यूटरी थी आपकी ठीक है कौन कौन सी थी जे सी आर जेसीआरबीएस मैं से याद रखता हूं इनको ठीक है झेलम चिनाब रावी ब्यास ब्यासतलुजी नॉर्थ से साउथ में ऐसे ही सीक्वेंस बनता है इनका तो ये जो ब्यास है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बाकी सारी नदी उत्पन्न भारत में होती है और ये सब देश द्रोही पाकिस्तान में चली जाती है लेकिन ये जो ब्यास नदी है ये भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है पंजाब के अंदर एक जगह है हरिक्या हरिक्या के अंदर जाके सतलुज नदी में मिल जाती है उसके बाद में जाती है तो ये भी पाकिस्तान में ही है बट ये सतलुज के माध्यम से जाती है रोहतांग दर्रे से उत्पन्न होती है इस दर्रे के ऊपर हमने एक सुविधा कर रखी है एक हमने नांगल परियोजना बनाई हुई है और नांगल परियोजना के तहत में हम दिल्ली में पानी लेके आते हैं तो अभी उस नांगल परियोजना का दोस्तों हमें क्या करना है रिपेयर करना है उसको उसमें कोई डैमेज है उसको हमें रिपेयर करना है तो उसके रिपेयर के लिए दोस्तों अभी क्या होगा थोड़ा तो समय लगेगा तो अभी दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी है यहाँ से पानी नहीं आएगा और दिल्ली में एक तिहाई पानी यहीं से आता है तो कह रहे हैं कि दिल्ली में आगे कुछ समय में पानी वाली प्रॉब्लम होने वाली है ये बात हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं ये बात आपको समझनी होगी ठीक है हाँ रोहतांग हिमाचल से बिल्कुल आपने सही बात बोली है ठीक है सही बात बोली है ठीक है ना डन <coughs> सर कोई ट्रिक है इजीली याद देखो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो यार ये छोटे छोटे देखो ओरिजिनल काम से कौन बचता है ट्रिक का मतलब क्या है बताओ ट्रिक का मतलब क्या है कि आप ओरिजिनल चीज से हटके कुछ करना मतलब आप एक आसान तरीका खोज रहे हो ठीक है आप एक आसान तरीका खोजने का प्रयास कर रहे हो दोस्तों नहीं नहीं आपको ये काम नहीं करना है भाई अरे आप इस युद्ध में अपनी मर्जी से उतरे हो ये यूपीएससी की जो जंग है ना आप खुद सोच के उतरे हो आपने डिसाइड किया है कि आपको ये लड़ाई लड़नी है अब इसमें इजी मार्क क्या चुनना है दोस्तों आपका शत्रु जो आपके सामने है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो कितना भी ड्रामना क्यों ना हो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो देखो आपको अपने हौसले जो है वो पस्त नहीं करने आपको अपने हौसलों से लड़ना है दोस्तों ठीक है आपको जो तरीका है उसका पालन करना है कोई शॉर्टकट वॉर्टकट शॉर्टकट का मतलब आप कोई आराम का तरीका ढूंढना चाहते हैं कोई ईजी शॉर्टकट को भी याद करना पड़ेगा आपका जो ये शत्रु है जो दुश्मन है ना इसको आपको ऐसे ही चैलेंज में इसको ऐसे ही फेस करना है इसको ऐसे ही हराओ तभी आपकी मंजिल आपके और पास आएगी आपके आपके कदम चूमेगी समझ रहे हो आप बात आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए अब ठीक है ट्रिक का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यहां पे ट्रिक नहीं होती ट्रिक नहीं होती यहां कॉन्सेप्ट बाकी वो जो ट्रिक बनाते हैं कि ये करो वो करो ठीक है भाई मेरे बस की नहीं है वो ट्रिक बतानी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं बाकी भाई ये ट्रिक व्रिक मम्मी इधर आओ और मम्मी पानी लाओ और उसके ऊपर जो बना दिया जाता है भाई मेरे बस की नहीं है मुझे माफ करो मैं ऐसी ट्रिक्स नहीं पढ़ा सकता मैं स्तर आपका गिरा नहीं सकता समझ लो आप मैं नहीं चाहता कि आपको इस अच्छे स्तर पे आप जब यूपीएससी की बात कर रहे हो मैं आपका स्तर नीचे नहीं लाने चाहता मैं चाहता हूं आप अपने स्तर को ऊपर लेके आओ ठीक है मैं आपको गिराने का काम नहीं करना चाहता मैं आपको उठाने का काम करना चाहता हूं समझ रहे हो इस आपकी लड़ाई में मैं आपको सशक्त करना चाहता हूं ना कि निर्बल और दुर्बल नहीं करना चाहता ये मेरा उद्देश्य है समझ में आ रही बात आपको होप हो, आप समझ पा रहे हो बाकी जिस चीज़ों में ट्रिक वगैरह होती है ट्रिक का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैं ट्रिक नहीं मानता ट्रिक वो चुरकुट बातें हैं वो अपन नहीं कर सकते सॉरी यार ठीक है तो ब्यास नदी के ऊपर बात ये हो रही है सेंटर जो है अभी 200 मिलियन 32 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी आता था ब्यास नदी से दिल्ली के अंदर उसको एक महीने के लिए बंद कर रहा है क्योंकि सेंटर कह रहा है कि हम नांगल हाइडल चैनल जो है ना उसको हम क्या करेंगे रिनोवेट करेंगे और दिल्ली का 25 प्रतिशत पानी एक चौथाई पानी यहीं से आता है तो कह रहा है दिल्ली में थोड़े दिनों दिक्कत रहेगी अब यहां से बात आती है ब्यास नदी तो ब्यास नदी को छोड़ो मेरा आपने देखा होगा ज्योग्राफी वन जीरो वन अपना एक चैनल है ठीक है और इसके ऊपर मैंने ड्रेनेज पढ़ाया हुआ है ड्रेनेज मतलब नदियां ठीक है उस ड्रेनेज में जाओ उस ड्रेनेज को ओपन करो और उस ड्रेनेज के अंदर में जो इंडस रिवर है इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी का जो सिस्टम है वो पढ़ लो वहां पर ब्यास के बारे में बताएगा और बाकी चीजों के बारे में बहुत बताया यहां पर ब्यास के बारे में सिर्फ इतना रोहतांग नदी से निकलती है कहां से मुड़ती है कहां जाती है सतलुज नदी में मिलती है हरक्या और फिर जाती है चार किलोमीटर की नदी है भारत के अंदर ही रहती है

अदरवाइज मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर पाऊंगा आप इस बात को समझिए ठीक है आपको मेरा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा जैसे जो सुमित सुमिट कोड से आते हैं वो कभी भी किसी भी समय मेरे से बात कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं मुझे वो मैं एक्सेस आपको नहीं दे पाऊंगा अगर आप सुमित टेन कोड यूज नहीं करते हैं तो ठीक है चलिए तो ये बात हो गया दोस्तों अगली बात है इनको अभी इनका देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है ठीक है मन्नाथु पद्मनाभ अभा, पद्मनभम इनका ध्यान हो गया है केरला से थे सोशल एक्टिविस्ट थे सोशल रिफॉर्मर थे ठीक है और जो हमारे सोशल इनिक्वालिटीज होती है ऊंचे उच, ऊंची जाती नीचे जाती उस संबंध में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और इनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है ठीक है द ट्वीट का आजकल बड़ा वो चल रहा है प्रधानमंत्री ट्वीटेड ट्रिब्यूट टू द श्री मनथु पद्मनभम ऑन इज डेथ एनिवर्सरीज ठीक है ये थे कौन अगर इनके बारे में आपको बताऊं तो एक सोशल रि, रिफॉर्मर थे इंडिया में सोशल रिफॉर्मर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों साउथ वेस्टर्न स्टेट केरला से अच्छा एक बात बता देता हूं आज रात को साढ़े दस बजे ठीक है हमारा एक स्पेशल पे सेशन रखा है मैंने और ग्यारह बजे इलेवन पीएम पे सो so, दोनों पे मैंने एक स्पेशल सेशन रखे हैं जो फ्री है कहां पर अनअकेडमी के ऊपर आपको मैंने टेलीग्राम पे लिंक दे दिया टेलीग्राम पे अपना चैनल है टी डो टाइम सुमित राठी यूपीएससी यहां पर जाके आप क्या कर सकते हो दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप क्लास में एनरोल कर लो ठीक है ठीक है अनमोल थैंक यू अनमोल शर्मा सो ये जो है सोशल रिफॉर्मर थे फ्रीडम फाइटर भी थे केरला से बेसिकली बिलोंग करते थे तो इज रिकॉग्नाइज एज फाउंडर ऑफ नायर सर्विस सोसाइटी ए फाउंडर थे नायर सर्विस सोसाइटी के विच क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द नायर कम्युनिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट ट्वेल्व पॉइंट टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेट केरला के अंदर में बारह प्रतिशत जनसंख्या जो है वो नायर कम्युनिटी से है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नायर सर्विस कमिश्न सोसाइटी को भी उनका भी गठन किया था इन्होंने सोशल इक्वालिटी जो सामाजिक असमानता है उससे लड़ाई लड़ी द फर्स्ट फेज बी बींग विद the वाईकॉम सत्याग्रह इन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह में बढ़ चढ़ भाग लिया और इन्होंने कहा कि जो पब्लिक रोड है ठीक है जो टेम्पल के अंदर नियर द टेम्पल एट वाईकॉम बी ओपन टू द लो कास्ट हिंदूज जो निम्न जाति के हिंदू हैं उनके लिए भी जो मंदिर को जाने के रोड जो है उनको ओपन करो पहले ये होता दोस्तों मंदिर में जाने दिया जाता जो लो कास्ट हिंदूज होते थे ना उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे लेकिन इन्होंने उसके लिए क्या किया दोस्तों लड़ाई लड़ी और कहा कि रोड को और जो टेम्पल्स हैं उनको लो कास्ट हिंदूज के लिए क्या करो ओपन करो ही हिट पार्ट इन दाइकोम एंड द गुरु वेटी थर्टी वन टेम्पल एंट्री सत्याग्रह एंटी टचेबिलिटी एजुटेशन जो uh, अब छुआछूत की प्रजाति जो प्रथा थी उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया बढ़ चढ़ के भाग लिया ओपन डिज फैमिली टेम्पल फॉर एवरी वन इरेस्पेक्टिव द कास्ट डिज इनके ना परिवार का इनका एक पारिवारिक मंदिर था इन्होंने उनको सबके लिए ओपन किया इस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड्स कि आप किस जाति से हो किस कास्ट से हो उसको छोड़ते हुए भूलते हुए इन्होंने क्या किया उस मंदिर को सबके लिए तो एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने कास्ट सोशल इनिक्वालिटीज के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी ही बिकम ए मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1946 फोर्टी सिक्स टू पार्ट इन द एजुकेशन अगेंस्ट द सर सीपी पी रामास्वामी अय्यर एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्राह्मण ठीक है इनके काम थे कांग्रेस के मेंबर थे ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रावनकोर कोर देवासोम बोर्ड ही री रिवाइटलाइज मैनी टेम्पल्स टू फंक्शन जो बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने क्या किया दोस्तों पुनः जीवन दिया जो बहुत सारे मंदिर जिनका अभी कोई यूज नहीं था कोई इस्तेमाल नहीं था उन्होंने इनको दोबारा से उनको जीवन प्रदान किया ठीक है तो दोस्तों आज क्लास होगी याद रखना साढ़े दस बजे कल अपनी क्लास नहीं ले पाया था यार मेरे को पता भी नहीं थी वो क्लास लगी थी और मुझे को पता नहीं था मेरे को साढ़े दस बजे पता चला कि जब मेरे पास पासमी से कॉल आया कि शिट यार क्लास लगी हुई थी साढ़े दस बजे और दूसरी क्लास है हमारी ग्यारह बजे ठीक है तो ये दो क्लास है ग्यारह बजे जो है करंट अफेयर का टेस्ट होगा ठीक है ये हम का, जो डेली करते थे वो शुरू कर दिया मैंने अगले महीने से आपको सारी क्लास समय पर सब चीजें मिल जाएंगी सरस आजीविका मेला दो इसमें क्या होता है ना बेसिकली हम एक मेला लगाते हैं ठीक है सरस आजीविका मेला एग्जीबिशन ऑफ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड रूरल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट बाय रूरल आर्टिशन 26 से लेकर 14 मार्च तक लगा है नोएडा हार्ट के अंदर सेक्टर 33 से बिहाइंड स्कॉन टेंपल नोएडा 11 से 8 बजे तक का इसका टाइम है कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ये इनको इंप्लीमेंट करे हो क्या रहा है दोस्तों में बताता हूं जो रूरल आर्ट है ग्रामीण आर्ट या जो कुीन है जो कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम आप बनाते हो उनको आप लेके जाओ एक अर्बन एरिया में लेके जाओ अर्बन टेस्ट के बारे में पता चलेगा आपको कि अर्बन एरिया में क्या कैसे कैसे लोग हैं क्या क्या उनकी डिमांड है क्या मांग है तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी आपको पता भी चलेगा तो वो टेस्ट आपको यहां पर पता चलेगा तो ये बेसिकली जो हार्ट है नोएडा हाट के अंदर ये सरस आजीविका मेला जो है वो लगाया जा रहा है तो यूनियन मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया है सरस आजीविका मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहां तीन से ज्यादा जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते हैं आपको एस से, सेल्फ हेल्प ग्रुप एस ये बनाए जाते हैं स्वयं सेवक स्वयं क्या बोलते हैं इनको स्व सहायता समूह ठीक है तो 27 राज्यों में से लगभग लगभग 300 सौ स्व सहायता समूह जो है इसमें भाग ले रहे हैं ठीक है यहां पर क्या होगा कि रूरल कल्चर और कुीन की जो है स्टॉल लगाई जाएंगी है ना, एक मेला टाइप का यहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस मेले के अंदर में बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स जो हैं वो आएंगे ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों के तो गांव की ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में किनको पता चलेगा शहरी लोगों को पता चलेगा और ये गाँव के लोगों को ये भी पता चलेगा कि शहरी लोगों की किस प्रकार की रुचि है किस प्रकार की इच्छा है किस प्रकार का इंटरेस्ट है ठीक है ये बात याद रखोगे ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया आज अंतिम दिन है कल अंतिम दिन है वो डिस्काउंट का कल के बाद दस प्रतिशत डिस्काउंट की वजह आपको पांच परसेंट मिलेगा का कहना है। तो जिन बच्चों को लेना है किसी कोई डाउट हो रिगार्डिंग एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक है सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा अनकेडमी सब्सक्रिप्शन यहां मुझे मेल कर लो कोई भी दिक्कत होगा मैं खुद आपको रिजोल्व कर दूंगा इंडिया आउट ऑफ रिसेशन जी डीपी ग्रोजीरोसेंट देखो ये बता रहा है कि भारत जो है वो ऑफिशियली रिसेशन से बाहर आ गया है ठीक है भारत के अंदर में जहां जीडीपी में लगातार जो है नीचे 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 जा रहा था ऑफिशियली अब भारत जो है रिसेशन से बाहर आ गया और भारत ने जीरो पॉइंट फोर परसेंट की ग्रोथ जो है वो हासिल कर ली है ये मैं सरकार का डेटा नहीं क्योंकि सरकार तो बहुत कुछ कहती है हम नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस एन के डेटे की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसरफेस्ड टू द ग्रोथ टेरिटरी इन द थर्ड क्वार्टर जो तीसरा क्वार्टर है तीसरी तिमाही है उसके अंदर में भारत दोबारा से ग्रोथ की टेरिटरी पे आ गया दोस्तों तो हमारे यहां पे 0.4 परसेंट जो है जीडीपी वो क्या है बड़ी है लगातार माइनस में चल रही थी जीडीपी पहला क्वार्टर जो था हमारा ठीक है जो फर्स्ट तिमाही थी ठीक है जो अप्रैल से लेकर जो आपका अप्रैल मई जून ठीक है ये जो पहली तिमाही थी उसमें माइनस ट्वेंटी फोर परसेंट की ग्रोथ रही थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उसके बाद सेकंड तिमाही के अंदर में सेवन पॉइंट थ्री परसेंट माइनस में ग्रोथ चली थी लेकिन अब कितनी है दोस्तों तीसरी तिमाही में प्लस में जीरो पॉइंट फोर परसेंट ठीक है लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत फम था ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रही है अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है थ्री पॉइंट नाइन परसेंट की ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर के अंदर तो वो सेक्टर काफी बयान था तो छोड़ दो एग्रीकल्चर सेक्टर को बाकी सारे सेक्टर जो थे वो कोविड का प्रकोप झेल रहे थे अब भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में अभी हमें देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर आ रहा है साथ साथ में जो सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में जो 50 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर भी अभी अच्छा कर रहा है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर जब बेटर कर रहा है तो अब हमें उम्मीद ये है कि हां भविष्य के अंदर में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी और हम बेहतर क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा जो बच्चे नए थे यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है दोस्तों ठीक है जो बच्चे मेरे साथ मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे अमेजिंग कोर्सेज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अनकेडमी पर मेरे प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं याद रखिएगा मेरा कोड है सुमित टेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सुमित टेन मेरा कोड है इस कोड को आप यूज करोगे तो आपको मैं खुद गाइड करूंगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर साथ ही साथ में आपको टेन का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो सिर्फ कल तक वैलिड है परसों आपका डिस्काउंट दस प्रतिशत से घट के पांच प्रतिशत हो जाएगा तो यहां पर हम आपको दोस्तों जीएस साथ साथ में आपको ऑप्शनल और साथ साथ में आपको कॉम्बो दोनों की हम तैयारी यहां पे करा रहे हैं जिन बच्चों को कॉम्बो करना है दोस्तों ठीक है याद रहे कोड तीनों में ही सुमिटेन लगेगा बट कॉम्बो का जिनको लिंक चाहिए दोस्तों तो मैं आपके जो, जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है ठीक है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दूंगा किसी भी बच्चे को करना हो वहां से कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी ये प्लस के जीएस के चार्ज है जीएस का वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर आपको इतना पे नहीं करना जब आप सुमिट टेन कोड यूज करोगे तो आपको सिर्फ फोर्टी फोर था आपको सिक्सटी फोर थाउजेंड देने हैं यहां पर आपको सिर्फ एक साल के तीन साल के लिए सिक्सटी थाउजेंड देने हैं याद रखिएगा कोड क्या यूज करना है आपको सुमिट टेन ये ऑप्शनल का है लेकिन अगर आप ऑप्शनल और प्लस ये अलग अलग नहीं लेना चाहते आप एक साथ भी ले सकते हो एक साथ ले लोगे आप तो ये आइकॉनिक के हैं ये प्लस का है ठीक है तो एक साल कॉम्बो का चार्ज है आपका सत्तर हजार एक सौ तीन इसमें जब आप मेरा कोड डालेंगे तो ये आपको सत्तर हजार नहीं सिर्फ तिरसठ हजार रुपए में मिल जाएगा मतलब एक साल आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी कर सकते हैं तिरसठ हजार रुपए में लेकिन आपको तैयारी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक मेंटर भी चाहिए पर्सनल मेंटर भी चाहिए की तरफ से देखो मैं तो आपके साथ रहूंगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे ना सुमित टेन तो मैं तो आपके साथ रहूंगा मैं आपको गाइड करूंगा लेकिन अगर आप अन अकेडमी से एक एक्स्ट्रा मेंटर भी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आइकॉनिक ले सकते हैं तो उसमें आपका प्राइस थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है तो ये एक साल दो साल तीन साल का प्राइस है बाकी कोई भी आपको कोर्स लेना हो चाहे आप प्लस लेना चाहो चाहे इकोनिक लेना चाहो यू कैन जस्ट यूज द कोड सुमित सुमिट आप सुमित इन कोड का यूज कर सकते हो यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अ शॉर्ट गाइडेंस बाय मी आपको हंड्रेड परसेंट गाइडेंस दूंगा साथ ही साथ में आपको पूरी तैयारी के अंदर में मैं साथ लेके आपको आगे बढ़ूंगा ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय हिंद होप यू लाइक द सेशन इंजॉय द सेशन प्लीज डू लाइक द वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी